जी तो अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, सब खैरियत है व्यूअर्स। अभी ये देखें, ये गाड़ी ने फिर मुझे प्रॉब्लम क्रिएट की, और आपको बताया ही था कि इंजन का प्रॉब्लम हो गया है। तो अब ये मैं आया हूँ यहाँ पे शारजा में, यहाँ ये इंडस्ट्रियल एरिया में, यहाँ स्क्रैप यार्ड्स के होते हैं उन्हीं में ही वर्कशॉप्स भी हैं। तो अब ये वर्कशॉप में आया हूँ, और ये उस्ताद जी जो हैं, ये मास्टर साहब, ये मैकेनिक साहब हैं, बड़े माशाल्लाह प्रोफेशनल हैं। अभी ये देखें, ये इन्होंने यही डिटेक्ट किया है कि ये इंजन आपको हर हाल में चेंज करना है। तो अभी फिर इंजन पे ही माइंड मेकअप किया है कि इंजन ही चेंज करवा लेता हूँ इंस्टेड के आगे तकलीफ़ काटूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है व्यूअर्स, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, 50+ है टेम्परेचर। तो इसमें पुराने इंजन की कैपेसिटी नहीं है, तो इसलिए अब ये इंजन रिप्लेस करवाऊँगा, नया इंजन करवाऊँगा इसमें। वहाँ पर आते हैं जैपनीज इंजन आते हैं जी। तो व्यूअर्स, मेरे ये चंद मखड़ाओं, ये देखें, ये दो इंजन पड़े हैं, एक राइट साइड पे है, एक लेफ्ट साइड पे है। ये जो मैकेनिक साहब हैं, ये मास्टर साहब, ये अब खोल रहे हैं उसको, उसका टॉप खोल दिया है, उसमें से इन्होंने ये जैन निकाली है। ये जैन निकाल के फिर दोनों के टॉप खोल के एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट करने के बाद ये जो है ये इंजन को इंसर्ट करेंगे। तो अभी आप देखें, जुड़े रहिए, साथ रहिए, आपको मैं चेक करवाता हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, ये अभी उसकी सारी सेटिंग कर रहे हैं। ये उसके जो इंजेक्टर्स हैं, उसके फ्यूल इंजेक्टर्स, उसको क्लीन करेंगे। फ्यूल इंजेक्टर्स को क्लीन करके पेट्रोल से उसको वॉश करके, तो तब ये लगाएंगे। अभी देखिए, ये दोनों इंजन को खोल दिए उन्होंने, जो पुराना इंजन है वो भी खोल दिए, जो नया वाला है वो भी खोल दिए। अब उसकी नए वाले की एडजस्टमेंट करके, सेटिंग करके, तो फिर दोबारा ये इंस्टॉल करेंगे। अभी वो देखें, वो छोटू साहब जो हैं वो इंजेक्टर को क्लीन कर रहे हैं, वो इंजेक्टर क्लीन होंगे, उसके बाद फिर ये देंगे अपने उस्ताद जी को, ये उस्ताद जी जो हैं ये लगाएंगे उसमें। तो आप ये देखिए, ये साथ रहिए, जुड़े रहिए, आपको मैं सारा चेक करवा रहा हूँ। अभी देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं ये बेचारे, ये बड़े मेहनती होते हैं। बस ये है कि आपकी गुड लक है। ये अभी ये इंजन का तो खैर ये सेटिंग करते रहेंगे, अल्लाह खैर करे। वैसे मैं आपको बताऊँ कि ये माशाल्लाह बड़े मेहनती होते हैं ये लोग। अगर आपको, आपकी गुड लक है कि आपको अच्छा मैकेनिक मिल जाए, ये भी होता है, क्योंकि मैकेनिक हजरात भी कई फनकार भी बहुत बड़े हैं। तो देखिए ये व्यूअर्स, अभी ये इसको जो है ना चेन से बांध दिए इंजन को, अब ये फाइनल टचेज हैं, अब इसको इंस्टॉल करेंगे। बीच में ये जो मिनी क्रेन सी है, इससे ये उठा के तो आगे गाड़ी के आगे करेंगे, फिर गाड़ी में ये इंस्टॉल करेंगे। फिर इसमें सबसे जो मेन पॉइंट होता है वो ट्रांसमिशन का होता है, ट्रांसमिशन की एडजस्टमेंट करेंगे। ट्रांसमिशन की एडजस्टमेंट करके तो उसके बाद ये इंशाल्लाह फिक्स करेंगे। तो अभी ये देखिए, ये बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। ये अभी जा रहे हैं, अभी ये आगे करके उसको क्रेन को, तो मिनी क्रेन जो है इससे इंजन को आगे के हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं कि जितनी ये हाइट में होगा। अब ये देखेंगे ग्रेजुअली उसके साथ लेके जा रहे हैं, जाते 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 बड़ा ख्याल से उसको रखते हैं, क्योंकि तो उसकी हाइट, उसकी जो लेंथ है उसके हिसाब से। अब ये देखेंगे लेके जा रहे हैं ना, आप ये देखेंगे सामने आपको नज़र आएगा, ठीक है ना। अब ये और उसको क्लोज करेंगे, और क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद इसको नीचे करेंगे। तो वो जो छोटू सा रहेंगे उसको ग्रेजुअली नीचे करेंगे, स्टेप बाई स्टेप। ये देखिए, ये नीचे जा रहे हैं ना, अपना बता रहे हैं। अब ये उसके हिसाब से करेंगे, ट्रांसमिशन के हिसाब से, जहाँ पे वो मेन ट्रांसमिशन इसकी जॉइंट होगा उसके साथ ये जॉइंट करेंगे, और उसके बाद इसको उसको राइट करेंगे, तो इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। अब ये देखिए, ये गर्मी बहुत बहुत बहुत, तो देखिए ये कैसे हिम्मत और।
उन्होंने अपना लंच टाइम जो है वो भी कुर्बान किया उस गाड़ी के लिए, अच्छी इनको टेक्निक कितनी गर्मी हुई है। अभी ये जो पुराना इंजन था वो निकाल के नया इंजन बीच में इंस्टॉल कर दिया है, तो आपने देखा कि लेफ्ट के जरिए जो इंजन नीचे उसमें निकाल रहे हैं उसकी अपनी जो फ्लीट्स हैं ना उसके ऊपर आती ही रहते हैं। तो सारा मैंने कवर की है उसकी इंजन का, आपको भी दिखा कि ये इस तरह अब ये पुराना इंजन निकाल दिया है, नया इंजन बीच में डाल दिया है, अब उसको बाकी जो उसके क्लच उसके स्क्रूज वगैरह सब कुछ हैं वो लगाएंगे। ठीक है, तो लगे हैं इस पर ऑलमोस्ट 4 आवर्स तो लगे हैं, तो 4 से 5 घंटे का टाइम होता है, ये इतना तो टाइम लग जाता है। तो चले जुड़े रहिए, साथ रहिए जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। तो वो फिट आएगा उसके स्क्रूज टाइट कर देंगे, स्क्रूज तो बहुत हैं इसके ऊपर नीचे आगे पीछे बहुत इसको स्क्रूज हैं, जारी बात है इंजन को कंट्रोल करने की। तो ये फाउंडेशन है, वो देखेंगे नीचे फाउंडेशन है इसके बारे में, तो फाउंडेशन के ऊपर ये टाइट करेंगे ताकि जो अपनी ग्रिप कर जाए इंजन लूज नहीं हो। तो बस ये सारा दिखा दिया आपको। अभी ये नाम गाड़ी वॉश करवाना, अब ये गाड़ी वॉश होगी और इसी इसकी चैम्पी शैम्पी होगी उसके बाद फिर उसको लेके जाऊँगा। तो बस ये देखिए कितना बेहतरीन वॉश कर रहे हैं, यहाँ तो वो टाइम तो नहीं देते जो पाकिस्तान में देते हैं व्हील्स उतार के इस तरह नीचे से, तो फिर भी अपनी पूरी एफर्ट्स करते हैं कि गाड़ी अच्छी वॉश हो। अभी ये फुल बॉडी वॉश है अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ये देखेंगे इंजन में भी पानी लग रहा है, और नहीं इंजन में पानी लग रहा है, लेकिन मैंने इसको साबुन लगाया तो इस वक्त शैम्पू लगा के तो अंदर से इंजन भी क्लीन कर रहा है। क्योंकि लोग डरते हैं पानी की वजह से कि पानी अंदर चला जाएगा फ्लड का, तो ये होता है वैसे रिस्क, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि इंजन आपका साफ सुथरा रहे। ये देखेंगे दुल्हन बन रही है, वॉश हो रही है, मेन सेटिंग इसकी होगी गाड़ी की, साफ सुथरी गाड़ी निकालना होगा। टाइम तो लगेगा, ये देखें ये वॉश कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं ये लोग, ये डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल इसमें शैम्पू लगाते हैं पूरी वॉश हो जाए। तो देखेंगे नीचे वाली बॉडी वॉश करेंगे शैम्पू लगा के, दोबारा उसमें शैम्पू लगाया शैम्पू लगाने के बाद आपको खाने से पूरा इनको लगा रहे हैं इसके लिए हम आपको पैरा पट्टी बनाने में करते हैं।